السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، इससे पहले दर्स में हम लोगों ने किताबुल हज शुरू किया था. किताबुल हज में के पहले बाब में हमने पढ़ा था फी मुकद्दमातिल हज व फीही मसाइल, हज की इब्तदाई बहसों के बारे में पहला बाब था और चंद मसाइल उसमें मस्कूर हैं. उन मसाइल में से मसला उला, मसला सानिया, मसला सालिसा और मसला राबिया. राबिया शायद मेरे ख्याल से चल रहा था, ख़त्म नहीं हुआ था. राबिया पर हम लोग जो है बहस ख़त्म कर दिए थे और मसले खामिसा और सादिसा इस बाब का, पहले बाब का बाकी रह गया था. हम लोग वहीं से शुरू करते हैं. शुरुतुल हज में, हज की शर्तों में हमने पढ़ा था कि हज के वजूब के लिए पांच शर्तें हैं. पांच शर्तों में सबसे पहली शर्त हमने पढ़ी थी अल इस्लाम, मुसलमान होना. जाहिर बात है फराइज इस्लाम के पाबंद कौन है? जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ करके दायरे इस्लाम में दाखिल होते हैं वही उसके पाबंद हैं. तो सारी इबादत में पहली शर्त हमारे यहाँ क्या होती है कि आदमी मुस्लिम हो, क्योंकि काफिर जो है वो शरीयत का मुकल्लफ नहीं है. मुकल्लफ नहीं क्या मतलब कि माफू अनु है शरीयत उससे, ऐसा नहीं है, बल्कि उसका मुआखजा किया जाएगा. लेकिन अगर वो कुफ्र पर रहते हुए इस किस्म की इबादतें करता है तो गैर काबिल कबूल है, अल्लाह के काबिल कबूल नहीं है. इसका मतलब ये होता है ना. वरना ऐसा नहीं है कि काफिर पर यह वाजिब नहीं है, इसका मतलब काफिर से माफू अनहो है, उसका मुआखजा नहीं, ऐसा नहीं है. बल्कि उसके कबूलियत के लिए उसके पास शर्तें मौजूद नहीं है. बुनियादी शर्त क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का इकरार है ना, आखिरत के दिन पर ईमान, ये बुनियादी शर्तों में से है. दूसरा अक्ल, सारी इबादत के लिए अक्ल का होना जरूरी है, आदमी का आकिल होना चाहिए. अगर कोई आदमी मातू है, पागल है, मजनून है या उसकी अकल में खलल है, जुजवी पागल है, तो ऐसे आदमी के ऊपर इबादत वाजिब नहीं होती. नहीं, पागल मतलब ऐसा नहीं है कि मुकम्मल पागल हो. जुजवी जो पागल हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं कि आदमी थोड़ा बावला रहता है, हल्के दिमाग का रहता है, नहीं कभी नॉर्मल रहता है, कभी अब नॉर्मल हो जाता है, तो ये सारे लोग कैसे क्या होंगे उसके अंदर शामिल होंगे, क्योंकि उसकी अक्ल मुकम्मल नहीं है. तीसरी शर्त थी बुलूग, बालिग होना. क्योंकि बुलूग के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा है, मरफूल कलम होता है गैर बालिग, वानी सभी हत्ता या हतली. बच्चा जब तक बालिग ना हो जाए तब तक जो है वो मुकल्लफ शरीयत का नहीं होता है. यह अलग मसला है कि नमाज की पाबंदी का, नमाज छोड़ने पर उसको मारने का हुक्म दिया गया है, रोजों की पाबंदी कराने का हुक्म दिया गया है, वालदेन जा रहे हैं तो साथ में लेके जाए, बच्चे को भेज कर आए, है ना. लेकिन बालिग होने के बाद उसको क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर ये फराइज क्या हो जाएंगे, नाफिज हो जाएंगे, है ना, और उससे माफू अनु नहीं होंगे. चौथी चीज है हमारे यहाँ हज के बारे में हुर्रियत, जबकि नमाज के बारे में हमने हुर्रियत की शर्त नहीं लगाई थी. नमाज गुलाम पर भी वाजिब है जी, लेकिन हज क्यों वाजिब नहीं है गुलाम के ऊपर, आजाद के ऊपर क्यों वाजिब है? क्योंकि गुलाम के पास इस्तेतात नहीं होती, उसके पास माल नहीं होता है. अगर वो आका के साथ अपने रहते हुए हज कर भी लेता है तो उसका यह हज सही कौल के मुताबिक फरीजे इस्लाम से किफायत नहीं करेगा, क्योंकि उसके ऊपर वाजिब नहीं था, उसने कर लिया है तो क्या बोलते हैं हम, क्या कहते हैं उसको, तुफैली बनकर के उसने किया है. तुफैली जानते हैं, दो चीज हम लोग पढ़ते हैं साइंस में, खुद कफील होना, तुफैली होना. खुद कफील हम उनको बोलते हैं जो अपनी गजा खुद हासिल कर लेते हैं, और तुफैली किनको बोलते हैं, उसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं नहीं जानते उसको. कुछ जानदार ऐसे होते हैं जो अपनी गजा खुद हासिल करते हैं, कुछ जानदार ऐसे होते हैं जो अपनी गजा दूसरे की गजा से इस्तेमाल करते हैं. एक को खुद कफील कहा जाता है, एक को तुफैली कहा जाता है. जैसे आप मिसाल समझ लें उसकी, जैसे मांगने वाले लोग हैं, मांगने वाले लोग क्या करते हैं, आपके घर का बचा हुआ खाना लेके जाते हैं, हालांकि उनके लिए पका हुआ नहीं रहता है, लेकिन आपके घर में जो खाना बच गया, खाने से बच गया,
वो क्या करते हैं, वो लेके जाते हैं, है ना। तो उनको आप कफील नहीं कहेंगे क्या। तो तुफैली ये ऐसा आदमी जो आजाद नहीं है, अगर वो किसी के साथ हज कर लेता है तो क्या है वो खुद बेचारा एक माल की हैसियत रखता है, उसकी अपनी कोई हैसियत नहीं है। अगर उसके पास माल आ भी गया किसका हो जाएगा, उसके आका का हो जाएगा, है ना। जाहिर बात है हज किसके ऊपर वाजिब है, मन इस्तता इलैहि सबीला। और सबीला में मन इस्तता इलैहि सबीला में हमने दो माना पढ़ा था, कौन कौन सा पढ़ा था, जिस्मानी और माली, जाना और आना दोनों। मन इस्तता इलैहि अज़्ज़ाद और राहिला, तोशा और सफर, तोशा होना चाहिए उसके पास, खर्च भी, सफर का खर्च हो, किराया हो, है ना, और चाहे क्या हो, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं रास्ते में खाने पीने का, कैंप के दौरान खाने पीने का खर्चा हो, सारी चीजें क्या उसके अंदर शामिल है, किसके अंदर, जात के अंदर, ज्यादा सफर जिसको कहा जाता है, ज्यादा सफर, है ना। और इसी से किताब है अल्लामा क़य्यिम की ज़ादुल मुआद, आखरत का तोशा। और दूसरा क्या होना चाहिए, राहिला होना चाहिए, राहिला यानी सवारी। उस जमाने में किराए का मसला नहीं था हमारे यहाँ, ना फ्लाइटें चलती थी, ना क्या बोलते हैं जहाज तेज चलते थे, है ना, पानी वाले। तो लोग क्या करते थे, अपने ऊँटों पे बैठ के, क्या है, ऊँट पर, घोड़े पर, गधे पर बैठ के क्या करते थे, मक्का जाया करते थे। ये राहिला है। तो इस्तेताअत में क्या शामिल है, ज़ाद और राहिला। ज़ाद यानी तोशा, जाने से लेकर के आने तक, राहिला यानी सवारी। उसके बाद हमारा आखिरी बाकी था अल इस्तेताअ, पांचवी शर्त इस्तेताअत का होना, और इस्तेताअत में बात इंशाल्लाह भी आएगी। लिकौलिही तआला वलिल्लाहि अलन नास हज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला। अल्लाह के लिए वाजिब है लोगों पर बैतुल्लाह का हज करना। तर्जमा कैसे करेंगे, वलिल्लाहि अल्लाह के लिए, अलन नास लोगों पर वाजिब है क्या करना, हज्जुल बैत बैतुल्लाह का क्या करना, हज्जा या हज्जु हज्जन व हज्जन व हज्जतन व हज्जतन, माने क्या होता है, हज करना, कस्द करना अल्लाह के लिए लोगों पर बैतुल्लाह का कस्द करना क्या है, वाजिब है। किन पर वाजिब है, मन इस्तता इलैहि सबीला, जो बैतुल्लाह तक पहुंचने की इस्तेताअत रखते हो, पहुंचने के माने क्यों क्या, सबीलन उस तक जाने की, रास्ता चलने की जो इस्तेताअत रखते हो। फ़गैरुल मुस्ततीअ मालियन, इस आयत करीमा का मतलब क्या हुआ, माली तौर पर जो मुस्ततीअ नहीं है, जो इस्तेताअत और ताकत माली तौर पर नहीं रखता है, बेअन कान ला यमलिकु ज़ादन यकफीहि व यकफी मन यऊलहु, कि उसके बेअन कान ला यमलिकु ज़ादन, कि उसके पास तोशा ना हो जो उसको और उसके अहले अयाल को क्या हो जाए, काफी हो जाए, औ कान ला यमलिकु राहिलतन, या उसके पास सवारी ना हो, सवारी का मालिक ना हो, तुसिलहु इला मक्कता व तरुद्दुहु, जो उसको मक्का पहुंचा सके, मक्का से ला सके, उसके पास सवारी नहीं है, औ बदनियन, माली एतबार से मुस्तती, नंबर एक मुस्तती माली में क्या आएगा, कि उसके पास ज़ाद तोशा ना हो खुद के हज करने का, और अपने अहलो अयाल को अगर लेके जा रहा तो उनके जाने आने का तोशा ना हो, तोशा नहीं खर्च सफर का, है ना, खाने पीने का खर्चा जो है, या ये कि उसके पास सवारी ना हो जो सवारी उसको मक्का ले जा सके, मक्का से वापस ले सके, यानी हम कह सकते हैं जाने का टिकट तो है हमारे पास, वापसी के टिकट का इंतजाम नहीं है, हज वाजिब नहीं है। औ बदनियन, इस्तेताअत मालिया में शामिल होगा, क्या शामिल होगा इस्तेताअत मालिया में, तोशा और राहिला, सवारी या क्या बोलते हैं इखराजात सफर, है ना। दूसरा, इस दूसरी इस्तेताअत क्या है, बदनियन, क्या हो, बदनी हो, बदनी में क्या आएगा, बयान कान शेखन कबीरन, कि इस तरीके से कि क्या हो, इंतहाई बूढ़ा हो, शेख किसको बोलते, बुड्ढे को, कबीरन बोलेंगे तो इंतहाई बूढ़ा, है ना, इंतहाई बूढ़ा, औ मरीदन, या बीमार हो, ला यतमक्कन मिन रुकूब, जो क्या कर सकता हो, सवारी पर कुदरत ना रख सकता हो, सवारी करने पर कादिर ना हो, इंतहाई बूढ़ा आदमी, आप सवारी बिठाते क्या हो जाएगा, लड़क जाएगा, क्योंकि उसके पास ताकत
उसकी कमर मजबूत नहीं जो सवारी पर बैठ सके, सवारी को संभाल सके, है ना, नहीं ताकत है। मरीज आदमी बेचारा, मरीज मरज से निढाल है वो, आप उसको सवारी बिठाएंगे क्या हो जाएगा, दसी खाएगा गिर जाएगा। आप उसको हज कराने लेके जा रहे थे, बेचारा रास्ते में डाले उसको, है ना, तो बदले एतबार से क्या है, इस्तेमाल उसकी नहीं है, है उसके पास, उसके पास पैसा भी है, तोशा भी है ना, आने जाने की सवारियां मुहैया उसके पास, लेकिन बदनी इस्तेदात नहीं है। वह तहम्मुल मशाक के सफर, सफर की मशक्कतों की बर्दाश्त की कुव्वत भी उसके पास नहीं है। औकान तरीफ हज गए आमीन, या ये कि बदनी में भी शामिल है कि मक्के का रास्ता मामूल नहीं है। पहले होता था, सऊदी हुकूमत जब है आज से 100 साल पहले, तो आपको मालूम होगा मलिक अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह के जमाने में हाजियों की शिकायतें क्या आती थी कि अरब के बद्दू क्या करते हैं, हम लोग जब जद्दा उतरते हैं वहां से पैदल या फिर गधों पर या खच्चरों पर या ऊंटों पर सवार होकर मक्का जाते हैं, और कहीं जब पड़ाव डालते हैं बद्दू हमारा सामान लूट लेते हैं। अच्छा। मदीने से मक्के से मदीना जाते हैं, हमारा सामान लूट लेते बद्दू, हाजियों को मार देते हैं, शिकायतें आम थी। मिस्र से काफिला आता, शाम से काफिला आता, नज से काफिला आता, रास्ते में लूट लिया जाता। कौन लूटते थे? ये बदू कबाइल, बदू बदवी जो थे, ये क्यों लूटते थे? मईशत के तबार से तंगी थी उनके यहाँ, चोरियां डकैतियां कब होती हैं? जब लोग मजबूर होते हैं जे। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर चोरियां ज्यादा हो जाए तो क्या करने की जरूरत है? हाकिम बदलने की जरूरत है, ताकि निजाम हुकूमत क्या करे, वो सही कर सके और लोगों तक गिजा पहुंचा सके, क्योंकि गिजा नहीं पहुंचेगी तो लोग क्या करेंगे, चोरी करेंगे, डकैती करेंगे। सूबे के हालत में चोरी का हद नहीं लागू होता। अब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ज़माने में मर्तबा कैसाली पड़ी थी तो चोरियां ज्यादा होने लगी। चोरियों के बाद केसेस ऐसे आए कि लोग हफ्तों से फाका कर रहे थे, हंडिया चोरी हो जाती थी, पकती हुई हंडिया चोरी हो जाती थी, तैयार हो गई ठीक है भाग जाते थे। और ये मामला, ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला के जमाने का सोच करके हम लोग हंसे, अलग मसला है। हमने मालेगांव में देखा है, मालेगांव में मोतीपुरा के इलाके में मामला हुआ, वहां मालेगांव में औरतें अक्सर क्या करती हैं, जुमा के दिन का पुलाव बनता है, जुमा के दिन खासतौर पर सुबह पुलाव चढ़ा देते हैं लोग, गोश्त वगैरह ला करके जुमा तक तैयार हो जाता है, लकड़ी लगा करके सिगड़ी चढ़ा देते हैं, पकते रहता है। उस वक्त पावर लूम की सनात है, वहां पर पावर लूम के मजदूर हैं जो काम करते हैं, तो बन रहा था हंडिया पे पुलाव बन रहा था, एक आदमी बहुत देर से टाड़ा हुआ था कि दम लगाए तो लेके निकल जाए। वो औरत बेचारी दम देखो गई, देवी दादूस रहेगा तैयार था, उसके बाद में वो अंदर घर में घुसी है और ये कपड़ा लेकर के आया था, पूरी पतीले उठा लेके भाग गया। कुछ देर के बाद औरत निकली, देखी तो जा रहा है भाग करके लेके पतीली लेकर, दौड़ाए सब उसको, दौड़ाते दौड़ाते मोहल्ले वाले उसके घर में घुस गए, ये कौन सी चोरी है तुम्हारी, बोले घर में घुसे तो घर में उसकी औरत बच्चे बूढ़े माँ बाप सब मौजूद थे घर में, बोले लेकर के आए हैं, बोले जो है खा लो उसको, बोले पीछे लोग हंगामा करते हुए घुस गए घर में, बोले बोले पतीली चोरी कर लिया, बोले खाना पकता हुआ चोरी कर लिया, शर्म नहीं आती। तो उसने सबको गेट पर रोका, कहा एक दो आदमी मेरे घर में आओ, जाओ आ जाओ, मैं तुम्हारी पतीली वापस कर दूंगा, है ना, टेंशन मत लो। जो घर में आया बोले हमारे बच्चों से हाल पूछ लो, कितने दिन से भूखे, हम लोग किसी से मांगने नहीं गए, मुझे इसके अलावा कोई रास्ता नजर नहीं आया कि पका पकाया खाना मेरे घर वालों के लिए काफ़ी हो जाएगा। उन लोगों ने बाकायदा मोहल्ले में और चंदा, बोले तेरी पतीली की जरूरत नहीं, बोले पतीली भी रख तू, बोले और चंदा जमा किया, ला करके उसके घर का इंतजाम किया। उस वक्त हमने देखा था हमारे गाँव में 3 रुपये प्लेट पुलाव मिलता था, ये बहुत दिन की बात नहीं है, मेरे ख्याल से 7-8 साल पहले की बात है, 8-8 साल पहले की, 7-8 साल पहले की बात है। बीच में क्या बोलते पावलों की सनत डाउन हुई थी ना, उस वक्त का मामला है, बहुत बेकार पोजिशन हो गई थी। तो उसमें जो है लोगों ने 3 रुपया पुलाव बेचा, जबकि पुलाव जो है होटलों में आप जाएंगे, हमारे गांव में छोटी प्लेट में 30 रुपया पुलाव मिलता है, नाश्ते के टाइम लोग बनाते हैं, 30 रुपया पुलाव मिलता है, 2 बोटी थोड़े चावल लेते हैं उसमें, लेकिन जो 3 रुपया लोगों ने क्या कैसे पिछले के लोगों का एहसास रहे कि 3 रुपया दे रहे हैं, बस मकसद था बांटना, सिर्फ बांटा लोगों ने जो है, और माशाल्लाह जो है फिर जो तंजीमें खड़ी हुई उस वाक्य के बाद, और लोगों ने जो तकसीम करना, हालात मालूम करना शुरू किए, पता लगा कितने घर ऐसे थे जो बेचारे किसी से रुपया नहीं मांगते थे, कहीं खजूर मिल गई
कुछ थोड़ा मोड़ा इंतजाम हो गया, किसी पैसा वैसा कहीं मिल गया तो जाके खजूर खरीद लिया, खजूर खा के पानी पी के जिंदगी गुजार रही थी, ये पोजिशन थी। तो होता है ऐसा, है ना। तो यहां पर जो है कहते हैं तरीक हज की तरफ क्या हो, गैर आमिन हो, मामून ना हो। कहीं यकून अभी कुत्ता तुरुक, कुत्ता काते की जमा है, रास्ते के काटने वाले पर डाकू, वहां पर कौन हो, डाकू। मैं बता रहा था शाह अब्दुल रहमत के जमाने में जब सऊदी हुकूमत बनी है चोरियां बहुत होती थी, बहुत चोरियां होती थी। चोरियां रोकने के लिए अब्दुल अजीज ने एक मरतबा जितने कबाइल थे सारे कबीले के सरदारों को रियाज बुलाया, चोरियां हुई थी बहुत ज्यादा हाजियों की, किसी की कश्ती की रस्सियां चोरी हो गई थी। अब कश्ती की रस्सी अगर चोरी हो जाए बेचारे के तो करेंगे क्या, हो कश्ती तो समांतर में कहीं बह जाएगी। किसी के जो है क्या बोलते हैं ऊंट चुरा लिए गए, किसी के सामान चुरा लिए गए, जान से मार दिया गया। पोजीशन ये थी उस जमाने में कि ये लोग जो है ना रास्ते में गड़ा खोद करके बैठते थे और इक्का दुक्का लोग अगर गुजरते हज करने वाले तो उनको बंदूक की गोली मारते थे, और गोली मारने के बाद अगर उसके पास कोई सामान नहीं मिलता कीमत वाला तो ये बद्दू रोते थे। इसलिए नहीं रोते थे कि उसने एक आदमी को मार दिया है, इसलिए रोते थे कि हमारी गोली बगैर कुछ हासिल किए हुए जाए हो गई। शाह अब्दुलजीज रहमतुल्लाह ने बुलाया, जब वाकत बढ़ गए बुलाया सारे कबाइल के जो अंदर रहते थे देहातों में, सारे बदों को बुलाया और कहा ये वाकयात हुए हैं, तोप लगाई, सबको एक लाइन में खड़ा किया और कहा कि मैं अभी आर्डर दूंगा तो इन सबको उड़ा देना, जो इतने सरदार हैं सबको, उन सबके हाथ पांव फूल गए। अब क्या होगा जो है, तो शाह का आर्डर है तो उड़ जाएंगे पक्का जो है, तो तैयार सिर्फ डराने के लिए उन्होंने किया था। तो उन्होंने कहा मैं तुम सबको जो है, रोने लगे सब, बोले मलिक आप बहुत करीम है, आप माफ कर दें जो है, हम जो है हम एक एक जर्रा जो हाजियों से लुटा गया होगा हम लाख वापस कर देंगे, अगर लोग इस्तेमाल कर लिए अपने घरों से ला करके देंगे। बोले जो तो बोले कितने दिन में आएगा, बोले एक हफ्ते की मोहलत दीजिए बस, एक हफ्ते में हाजियों के लूटे हुए सामान हो गया सब। राज बात उन लोगों ने कहा कि जितने हम सरदार हैं सब मार दिए जाएंगे कबाइल के, कोई बचेगा नहीं, हम लोगों को तोप के सामने रखा था उसने। तब जाकर के जो है चोरी रुकी, फिर चोरियां ऐसी बंद हुई कि एक अकेला हाजी कहीं निकलता था तो कोई उसको टच नहीं करता था, इस तरह चोरियां बंद हुई। और उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह इंतजाम भी किया, जो मशाकिल और मसाइल थे उनके हल किए। तो ऐसा होता है कि कभी कभी रास्ता क्या हो जाता है, वो डाकू से घिरा हुआ होता है, कई मरतबा हुआ है। हज की तारीख आप पढ़िए, कई मरतबा हज रुक गया है, उस साल लोग हज करने नहीं गए इसलिए कि डाका जनी होती थी या वबाई बीमारियां कभी फैली है, कभी ताउन फैला है, ने कभी जो है वहां भुखमरी ज्यादा थी तो लोग जो है डर के मारे नहीं गए कि वापस नहीं आएंगे, ने तो ये सब मशाकिल की वजह से हज रुके हैं, है ना। आज हमारे यहाँ थोड़ा रोका गया है तो लोग क्या कर रहे हैं, वबेला मचा रहे हैं, हालांकि एहतियात क्या है वो इंतहा जरूरी है। तो यहां पर जो है अववा या कोई बीमारी हो तो हज क्या हो जाता है, इस्तेताब में शामिल नहीं है, लिखा हुआ हमारे औ गैर ज़ालिक या इसके अलावा और कोई हो, मिम्मा या खाफुल हाज जुमा हुआ अला नफ्सी व माली, क्या हाजी किस पर खौफ खा रहा हो, अपनी जान का या अपने माल, जान का खौफ है माल का खौफ है ना। उसके बाद में फ़इन्नहु ला यजिबु अलैहिल हज हत्ता यस्ततीआ, तो उसके ऊपर हज वाजिब नहीं होगा यहां तक के इस्तेताद रखे, भी इस्तेताद में शामिल है, मुझे समझ रहे हैं। वक़द क़ाला तआला ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह किसी को मुकल्लफ नहीं करता मगर जितनी उसकी उसअत और इस्तेताद हो। वल इस्तेताअतु मिनल उसअ अल्लज़ी ज़करह अल्लाह, और इस्तेताद उसी उस में शामिल है, इसको अल्लाह ने क्या किया है, जिक्र किया, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, और इस्तेताद में उसी में क्या है, शामिल है। वमिनल इस्तेताअति फी हज्जिल मरअ, और औरत के हज में इस्तेताअत में यह भी शामिल होगा, क्या शामिल होगा, वजूदुल महरम अल्लज़ी युराफिकुहा फी सफरिल हज, महरम का वजूद जो उसके साथ सफरे हज में रहे, महरम हो या कौन हो, उसका शौहर, महरम हो नहीं तो कौन, उसका शौहर हो। लिअन्नहु ला यजूज़ु लहा अस-सफर लिल हज्जी वला लिगैरिही, इसलिए के
उसके लिए सफर हज जायज नहीं है और ना गैर सफर सफर हज यानी कोई भी सफर जायज नहीं है किसके बगैर बेदूनी महरम लिकौलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यहिल्लु लिइमरातिन तुमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर अन तुसाफिर सफरन يكون ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها. اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کسی بھی مومنہ عورت کے لیے جو اللہ پر یوم آخر پر ایمان رکھتی ہو حلال نہیں ہے کہ وہ کوئی سفر کرے جو تین دن کا یا تین دن سے زائد کا ہو مگر اس کے ساتھ اس کا باپ ہونا چاہیے یا اس کا بیٹا ہونا چاہیے یا اس کا شوہر ہونا چاہیے یا اس کا بھائی ہونا چاہیے یا اس کا ذی محرم ہونا چاہیے وَلَقَوْلِ صلی اللہ علیہ وسلم لِلرَجُلِ الَّذِي قَالِ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے بارے میں کہا جس نے کیا کہا اِنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَّتًا ایک آدمی نے کہا اللہ رسول میری بیوی حج کرنے کے لیے نکلی ہے وَإِنِّكْتَتَبْتُ اُتُبْتُ فِي غَزْوَتِ قَذَا وَقَذَا اور میرا نام فلاں اور فلاں غزبے میں لکھ لیا گیا ہے یا فی غزوۃ قذا فلاں غزبے میں میرا نام لکھ لیا گیا ہے میں جنگ پر جا رہا ہوں میری بیوی کہاں جا رہی ہے حج کرنے کیا کہا آپ نے انطلق فحج معها غزوے مت جاؤ کہاں جاؤ حج کرنے اس کے ساتھ جاؤ اپنی بیوی کے ساتھ اور اس کے ساتھ کیا کرو حج کرو اگر سفر بیوی کا یا عورت کا تنہا جائز ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوے سے جہاد سے اس کو نہیں ہٹاتے جبکہ اس دور میں جہاد کیا تھا فرض عین تھا جو مستطیل تھی اور نام لکھ دیا جائے تو ظاہر سی بات ہے مسئلہ ہوتا ہے لیکن اللہ رسول نے کیا کہا تمہاری عورت حج کرنے اگر جا رہی ہے تو کیا کرو اس کے ساتھ حج کرنے جاؤ غزوے سے نام تمہارا ہٹا لیا جائے گا فَإِذَا حَجَّتْ بِدُونِ مَحْرَمْ لیکن اگر کوئی عورت بغیر محرم کے حج کر لیتی ہے تو فَحَجُّهَا صَحِيح حج کیا ہوگا اس کا صحیح ہوگا وَتَكُونُ عَاصِبَةً لیکن کیا ہوگی وہ گنہگار ہوگی کیوں کیونکہ اس نے اللہ کے حکم پہ کیا کی ہے نافرمانی کی ہے جی لیکن حج کیا ہوگا اس کا صحیح مانا جائے گا آپ اس کے حج پر کلام نہیں کر سکتے ہیں ہے نا اسی طریقے سے ہمارے اپنے قریب ترین لوگوں یا قریب ترین عورتوں کے ساتھ کیا کرتی ہیں حج کرتی ہیں اور ان کے ساتھ ذی محرم نہ بھی ہوں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے علماء نے کیا کہ اس کی اجازت دی ہے کیونکہ ذی محرم کے ساتھ حج کرنا یا سفر کرنے کا جو مسئلہ ہے وہ اس کی عفت اور عصمت کی حفاظت کا ہے عفت اور عصمت کی حفاظت کا مقصد ہے جوان عورت اگر حج کر رہی ہے یا سفر کر رہی ہے اس کے ساتھ غیر محرم ہے محرم نہیں ہے تو اس سے بدکاری ہونے کا زنا میں وقوع کا کیا ہے خطرہ موجود ہے اور ایسی عورت اگر ہے جو کیا بولتے ہیں چیز کی رغبت ہی نہیں رکھتی ہے نا اور اس کے ساتھ معمول لوگ موجود ہیں معمول لوگ کیا ہیں گھر سے محرم نہیں ہے تو علماء نے کیا کیا ہے اس صورت میں جواز فتویٰ دیا ہے اور اسی وجہ سے ہمارے ہندوستان سے کیا بولتے ہیں حج کمیٹی بھی کیا کرتی ہے ایسے لوگوں کو جو 65 سال کی 70 سال کی عورتیں ہوتی ہیں ان کو کیا کرتی ہے اجازت دے دیتی ہے اگر کوئی قریبی ہوتا ہے تو واللہ عالم جو ہے پانچواں مسئلہ ہمارے یہاں آخری مسئلہ اس پہلے باب کا جو ہے حکم العمرۃ وعدلۃ ذلک پانچواں آخری مسئلہ نہیں بلکہ چھٹا مسئلہ بھی آ رہا ہے چھ مسئلے اس میں عمرے کا حکم اور اس کی دلیلیں عمرہ ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں عمرہ واجب ہے کہ عمرہ سنت ہے ہم لوگ یہی سمجھتے ہیں عموماً کہ عمرہ کیا ہے سنت ہے کیونکہ عمرے کے وجوب کے تعلق سے واتم الحج والعمرہ کے علاوہ کوئی دلیل موجود نہیں ہے جبکہ حج کے وجوب کے تعلق سے کیا ہے واضح دلیل کیا ہے موجود ہے نا تو لیکن ہمارے ہاں اس فقہ میں قبل اس کتاب کے اندر چونکہ مسلک حنبلی کو ذکر کیا گیا ہے اور حنابلہ کے ہاں جس طرح حج واجب ہے اس طرح عمرہ بھی کیا ہے واجب ہے اور ان کے ہاں دلیل جو مضبوط تھوڑا ہوتی ہے وہ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ حج سے پہلے عمرہ کیا ہے ایک دوسری آپ نے حج کے ساتھ بھی عمرہ کیا ہے حج کے ساتھ بھی آپ نے کیا کیا ہے عمرہ کیا آپ نے حج کیا حج کیا تھا حج کی تین قسمیں ہیں افراد قران تمتو افضل کون تمتو ہے نا آپ نے کون سا کیا تھا قران آپ نے قران کیا تھا
क्यों आपने इकरार किया था, आपने तमत्तु क्यों नहीं किया जबकि आपने तमत्तु करने का सहाबा को हुक्म दिया? पसंद भी किया उसी को? नहीं, आपने उसको पसंद भी किया, सही। आपने हज इकरार क्यों किया? दो अलग अलग इबादत के मास। नहीं, इसलिए आपने हज इकरार किया कि आप उमरे के बाद हलाल नहीं हो सकते थे, क्योंकि आप कुर्बानी का जानवर मदीने से साथ लेकर के आए थे। कुर्बानी का जानवर अगर साथ में है और आपने एहराम बांध लिया, जब तक वो जबा नहीं हो जाएंगे अल्लाह के रास्ते में, तब तक आदमी एहराम नहीं खोल सकता है। और हम लोग क्या करते हैं, यहां से एहराम बांध के जाते हैं उमरे की नियत से, जाकर उमरा करके हलाल हो जाते हैं, फिर जब हज करीब आता है तो जानवर खरीदते हैं या जानवर को टोकन लेते हैं। ये अल्लाह के नबी ने क्या किया था, जानवर कहां से लेके गए थे आप? कितना जानवर आपने कुर्बान किया था हजरत अलविदा में? 100 ऊंट आपने कुर्बान किए थे, मामूली तादाद नहीं, 100 ऊंट अलग। 60 जानवर किसने कुर्बान किया था? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों से। और बकिया किसने? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कुर्बान किया था। ने 93 क्या था कि 40 शायद 40 किया था उन्होंने, 60 हज़रत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया था जी। तो ये पांचवा मसला हमारा किसका है? उमरे के हुक्म का। नहीं, और उसके दलीलें देखेंगे आप। तजिबुल उमरतु अलल मुस्तती मर्रतन वाहिदतन फिल उमर, कहते हैं उमरा भी वाजिब है एक मरतबा उमर में। उमर में एक मरतबा क्या कहें? उमरा वाजिब है। लिकौलिहि तआला वअतिम्मुल हज्ज वल उमरता लिल्लाह, हज और उमरे को अल्लाह के लिए क्या करो, पूरा करो। और अक्सर उलमा इसको हज के वजूब की दलील नहीं मानते हैं। हज के वजूब की दलील क्या है? वलिल्लाहि अलन्नास हज्जुल बैत मन इस्तता अलैहि इलैहि सबीला, इसको नहीं मानते लोग। इसमें लोग क्या कहते हैं, इसमें इत्माम की बात कही, आप शुरू कर लिया तो आपको पूरा करना है। आपने शुरू कर लिया, इरादा कर लिया, क्या करना है आपको? खत्म करना है। इसमें इत्माम की बात कही गई है। लेकिन ये लोग जो है क्या बोलते हैं, वुजूब हज की दलील मानते हैं इसको, है ना, जबकि ये आयत करीमा कब नाजिल हुई है? ये 6 या 7 हिजरी की है, सॉरी 5 हिजरी की है। कब की है? 5 हिजरी का नुजूल है इसका। और वलिल्लाहि अलन्नास हज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला कब का है? ये आयत पहले की नाजिल शुदा है, आले इमरान वाली और उसी के बाद अल्लाह रसूल ने क्या किया, और बकर अल्लाह तआला की क़यादत में क्या किया, काफिले हज को रवाना किया 9 में, 10 में अल्लाह रसूल ने हज किया है ना। यहां पर जो है इत्माम का मसला है, लेकिन ये दलील लोग पेश करते हैं कि ये भी क्या है, उम्रे के वजूब की क्या है, तो क्यों? क्योंकि इसके अलावा कोई कुरानी आयत में दलील मौजूद नहीं है। वले कौली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ले आयशा लम्मा सअलतु, और अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयशा से कहा, जब आयशा ने अल्लाह रसूल से पूछा हल अल निसा जिहाद, क्या औरतों पर जिहाद फर्ज है? काल नअम अलैहिन्न जिहादुन लकताफी, कहा उनके ऊपर जिहाद है लेकिन उस जिहाद में किताल और जंग जिदाल नहीं है। अल हज वल उमरतु, क्या फर्जियत की दलील वाजे? फर्जियत दलील वाजे नहीं है, है ना। जिहाद जैसा होता है, जिहाद जैसा, हाँ, जात क्या फर्जियत के पाया है ना। वले कौली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ले अबी रज़ी लम्मा सअलहु अन्ना अबाहु ला यस्ततीउ अल हज वल उमरा, अल्लाह रसूल ने अबू रज़ीन साहबी से कहा, जब उन्होंने अपने वालिद के ताल्लुक से सवाल किया कि वो हज की इस्तेआत नहीं रखते, क्या उन्हें इस्तेआत नहीं रखते, यानी सवारी पर सवार नहीं हो सकते, और उम्रे के भी, वला जान और सफर की भी, जान यानी सफर। काला हुज अन अबी का वातबिर, कहा अपने बाप की तरफ से हज भी करो और क्या करो, उम्रा भी करो। ये कुछ हद तक दलील हो सकती है कि अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको हज के साथ उम्रे का भी करने का हुक्म दिया है ना, कुछ हद तक करीब करीब दलील है। इसीलिए उलमा ने कहा है कि हज जिस तरीके से एक मरतबा वाजिब है, ऐसे उम्रा भी क्या उसके ऊपर एक मरतबा वाजिब है ना।
वह अरकान वहा सलासा। ये बहस कब आएगी हमारे यहाँ? अगर कोई आदमी सिर्फ अकेले हज करने के लिए जाए और एक ही हज जिंदगी में करे, उमरा ना करे, तो उसके बारे में सवाल आएगा कि उसने उमरा ना किया तो सही किया कि गलत किया, या उसका हज कामिल होगा कि नहीं होगा। गलत हज क्या हो जाएगा? कामिल होगा। ये तो वरना जो है लोग चाहते हैं कि हम जाएं तो उमरा भी कर लें और क्या कर लें, हज भी कर लें। वह अरकान हुआ सलासा, कहते हैं उमरे के तीन अरकान है। पहला रुकन क्या है? एहराम मांगना, दूसरा तवाफ करना, तीसरा क्या है? सफा मरवा। इतना ही होता है, इसमें आदमी फारिग हो जाता है। जी उसके बाद में कसर वाजिबात में से, जी हलक ये कसर क्या है? वाजिबात है में से, उम्रे में से। तो ये तीन चीजें, एहराम मीकात से, है ना, दूसरा क्या है? तवाफ। तीसरा क्या है? सफा मरवा से शॉर्टकट, है ना। अगर आदमी तेज करने वाला आधा पौना घंटे के अंदर क्या करता है, मुकम्मल कर लेता है। ये उम्रे का मसला है और उसकी दलीलें जो आपके सामने हैं आप देख रहे हैं, है ना। और मैं समझता हूँ अबू रज़ीन वाले जो रवायत दलील है वो कुछ हद तक ज्यादा कवी लगती है। छठा मसला है, आखिरी मसला, मवाकीतुल हज और उम्राती। इस बाब का आखिरी मसला है हज और उम्रा के मीकात। मीकात वक्त से है, इसकी जमा क्या आती है? इसलिए मीकात जब हम बोलते हैं वाहिद जमा लाते हैं तो या जो वाव से चेंज है वो जमा में वापस आ जाती थी। मीकात मवाकीत मफाइल, है ना। मीकात मिफाइल के वजन पर, मफाइल के वजन उसकी क्या आती है? जमा आती है। असल में वो म्यूकात है, म्यूकात, लेकिन चूंकि वहां पर सुकून कसरे के बाद भारी पड़ता है, उसकी अदायगी क्या होती है? भारी पड़ती है। इसीलिए कसरा किसको कबूल करता है ज्यादा? या को, जिस या से, है ना। तो क्या मीकात, मीकात है क्या? कौन सा है? ये जर्फ है। क्या कहते हैं उसको? जर्फ। और दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, जर्फे जमान और जर्फे मकान। जर्फे जमान, जर्फे मकान। मिसाल के तौर पर आप कहें किसी को, आप उसे एक बजे मिलिए, ये जर्फे जमान है कि मकान है? जमान है, क्योंकि आप उसको टाइम बता रहे हैं। आप मुझे असर के बाद मिलिए, जमान है कि मकान है? जमान है, टाइम है। आप मुझे सुबह मिलिए, जमान है। लेकिन आप उसे कहे कि आप मुझे सापे पर मिलिए, आप मुझे साकिनाका में मिलिए, आप मुझे मुमरा में मिलिए, ये क्या है? आप मुझे फला होटल में मिलिए, ये मकान है। हज में दोनों चीजों का एतबार किया जाता है, जमान का भी और मकान का भी। अल हज अशहुरु मालूमात, हज के मालूम महीने हैं। कौन कौन से मालूम महीने हैं? शव्वाल, ज़िलक़ादा, ज़िलहिज्जा। ये तीन महीने जिसमें क्या है? हज की तैयारी की जाती है, हज के लिए नियत की जाती है, हज के लिए एहराम बांधा जाता है, और जिनमें हज किया जाता है, हज से फारिग होकर वापस आया जाता है। ये तीन महीने। बकिया अलावा में आप जाए हज करने की नियत करके, हज होगा आपका, भले आप जाकर के मीना में ठहरे रहे, अरफा चले जाए, मुज़दलिफा में ठहरे, है ना, और उसका मीना में आए, कंकरी मारे, शैतान को खूब पीटे, है ना, हज नहीं होगा आपका, क्योंकि जमान नहीं है, है ना, सिर्फ मकान है। तो हज में दोनों का पाया जाना क्या है? जरूरी है, है ना। तो यहां पर आप देख रहे हैं अलमीकात लुगतन वल हद। मीकात किसे कहा जाता है? बॉर्डर को, हद को। आपने किसी को कह दिया असर में मिलना, अगर वो आपको जोर में, वो आपको 24 को दिन भर, है ना, तो बेकार कर रहा हो, है ना। तो यह हद है, बॉर्डर है, चाहे जगह में मुतय्यन कर दिया गया हो, चाहे टाइम पे मुतय्यन कर दिया गया हो। शरण हुआ मौज़िउल इबादती और ज़मानुहा, इबादत की जगह या उसका वक्त, उसका टाइम, इबादत की जगह या उसका टाइम। फतनक़सिमुल मवाक़ीतु इला ज़मानिया व मकानिया, तो मीकात की तकसीम हम कर सकते हैं ज़मानी और मकानी की तरफ।
अमल मवाकित ज़मानी लिहज व उमराति, कहते हैं हज और उमरा के लिए मवाकित ज़मानिया क्या है। कहते हैं फल उमरतु यजूज अदा हुआ फी जमी औकात सना, उमरा पूरा पूरे साल कर सकते हैं, उमरा पूरे साल। शरीयत इस्लामी आने से पहले क्या कहते थे अरब? अरब लोग कहते थे इदा महल असर और पता नहीं क्या वज़ाहल वबर फकद हल्लतिल उम्रतु लिमन एतमर, कहते हैं सवारी पर जो कजावा कैसे हज के ले जाते, बोले उसकी खाल उधर जाती थी, लकड़ी वो रखते रहते ना, अगर वो बाल फिर आ जाए रास्तों पर सवारियों के हज की वजह से काफिरों के चलने के निशान मिट जाए, है ना, तब उम्रा हलाल हो जाता है। किसके लिए? उम्रा करने वालों के लिए। वो कहते थे कि शवाल ज़िकादा दिलिजा और मुहर्रम के अंदर उम्रा करना जायज नहीं, लेकिन इस्लाम ने क्या किया, हज के साथ में क्या किया, उम्रे को दाखिल कर दिया। तो उम्रे की कोई कैद, हत्ता के हज के दिन भी अगर कोई मक्के वाला चाहता है या कोई जाना चाहता है कि मुझे आज उम्रा करना है, जाकर कर सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कहते हैं उम्रा यजूज अदा हुआ फी जमी औकात सना व अमल हज फलहु अशहरुन मालूमात ला यसिहु शेउ मिन आमाल हज इल्ला फीहा, हज के मालूम महीने हैं, हज के आमाल इन महीनों के अलावा में सही नहीं होंगे। अल हज अशहरुन मालूमात वे शव्वाल व ज़ुलक़ादा व ज़ुलहिज्जा। अमल मवाकित मकानिया लिलहज व उमरा थी, रहे मवाकित मकानिया हज और उमरे के लिए, फैल हुदूद अल्लती ला यजूज़ुल हाज वल मुतमिर अन यतजावज़हा इल्ला बिहरम, तो ये वो हदें हैं। ये कौन सी ज़माने की मकानी? मकानी, ये वो हदें हैं जिनको हज करने वाला उमरा करने वाला क्रॉस नहीं करेगा, मगर कब? एहराम की हालत में। उस जगह पर आए तो एहराम बांधे, वहां से नियत करे, फिर क्रॉस करे। हम लोग क्या बोलते हैं? मीकात। क्या बोलते हैं उनको? मीकात या मवाकिते हज, है ना, जो ज़मानी है, मकानी है। सॉरी, वक़द बयना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी हदीस इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला की हदीस में अल्लाह के रसूल ने इसको वाज़ह किया है, वक़त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ले अहलिल मदीनति ज़ल हुलैफा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले मदीना के लिए मीकात मुकर्रर की, किसको? ज़ुलहुलैफा को। ज़ुलहुलैफा जो आजकल मीकात मदीना के नाम से जाना जाता है, या मुतलक मीकात के नाम से जाना जाता है, या अबियार अली के नाम से जाना जाता है। अबियार अली सस्ते अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुराद नहीं है, बल्कि बाद के दौर पर कोई अली नाम के हैं, उनके वहां पर कुएं थे, उनसे वो कुएं मशहूर हो गए, तो अक्सर लोग उसको अबियार अली ही के नाम से क्या है याद करते हैं। यह ज़ुलहुलैफा। और इस मीकात के ताल्लुक से आपको याद रहना चाहिए कि अब अदुल मवाकित है, मक्के के करीब जो मीकात हैं अल्लाह ने अल्लाह के रसूल मुकर्रर किए हैं, उनमें सबसे दूर 450 किलोमीटर दूर ये मीकात है, हरम मदनी से करीब करीब। वले अहल शाम जोहफा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाम वालों के लिए कौन सी मीकात मुकर्रर की? जोहफा को मुकर्रर किया। बाद में ये जोहफा भी चेंज हो गया, ये जोहफा राबिक चला गया, राबिक एक जगह उसके मध्य मुकाबले जगह, क्यों चला गया? क्योंकि जोहफा जो है एक वबाई जगह थी, जो लोग वहां जाते थे ठहरते थे वो जरूर बुखार लेकर के कोई बीमारी लेकर जाया करते थे, ये। तो इस जोहफा को क्या चेंज कर दिया गया? राबिक से तब्दील कर दिया गया, बिल्कुल मुकाबले में पड़ता उसके, लेकिन इलाका थोड़ा सा अलग है, लेकिन मुकाबिल वही है। तो राबिक को मीकात बना दिया गया, जोहफा को नहीं बनाया गया। ऐसे ही कौन सी है? बोले अहले नजद कर्नुल मनाजिल, मक्का के पूरब में नजद पड़ता है, पूरब और शिमाल में। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले नजद के लिए मीकात मुकर्रर की, किसको? नजद का इलाका कौन सा है? नजद का इलाका हमारे यहाँ जो कसीम का इलाका है, कसीम रियाज ये सब किस में आता है? नजद में आता है। उनके लिए और पूरे पूरा इराक तक पूरा क्या कहलाता है? ये नज़द कहलाता है।
तो अल्लाह के रसूल ने उनके लिए कौन सी मिकात मुकर्रर की? कर्नुल किसको? कर्नुल मनाजिल को। और कर्नुल मनाजिल आज बीरे फातिमा के नाम से मशहूर है, बीरे फातिमा के नाम से जाना जाता है। वले अहलिल यमनी यलमलम, और यमन वालों के लिए मिकात मुकर्रर की किसको? यलमलम को। यलमलम ने हाँ, ये तो आप देखेंगे हदीस में सब कुछ शामिल कर दिया गया है। ये लोगों का नाम ले जो इलाकों से आते हैं, जो के करीब इलाके, उनका नाम अल्लाह ने लिया। क्या कहा? हुन्ना लहुन्ना, ये इन इलाकों के लिए है। वलिमन अता अलैहिन्ना मिन गैर अहलिहिन्ना, और जो इन पर गुजरे वो इन इलाकों के ना हो तभी भी। अगर यही से आ रहे हैं तो मदीने, हमारे हिंदुस्तान की जितनी फ्लाइटें जाती हैं वो सब जो है बम्बई से निकलती हैं तो समंदर के रास्ते चलती हैं, किसी मुल्क पर नहीं जाती हैं, समंदर से होते हुए वो यमन से करते हुए फिर जद्दे के करीब से जो बहर अहमर है उसके ऊपर से गुजरते हुए वो जाकर के जद्दा में उतरती हैं। तो जद्दे से पहले, थोड़ा पहले यलमलम आता है, वो करीब है। तो उमूमन मक्का आने के लिए यलमलम का रास्ता यमन वाले इस्तेमाल करते थे। तो अल्लाह ने उस मीकात को मुकर्रर किया। अब जितने भी अफ्रीका के लोग आए, अफ्रीका के लोग आए, अमेरिका के लोग आए, जो भी आए, अगर वो गुजरेंगे वहां से, उनकी फ्लाइटें गुजरेंगी, उनकी मीकात क्या होगी? यलमलम होगी। ये इन शहर वालों के लिए मीकात तो ही है, और उनके लिए भी है जो इन पर गुजर रहे हैं, लेकिन वो इन शहर वाले, इस शहर वाले नहीं है, दूसरे शहर वाले हैं, दूर वाले गुजर रहे हैं, तो उनके लिए भी यही मीकात है। उनके लिए अलग मीकात अल्लाह ने मुतय्यन नहीं की। मिम्मन अराद अल हज वल उमरा, लेकिन ये किसके लिए है? जो हज और उमरे का इरादा। ऐसा नहीं है कि आप मक्का वैसे जा रहे हैं किसी रिश्तेदार से मुलाकात करने के लिए, जाए आप, कोई दिक्कत नहीं है। जी अगर आपको हज उमरे करने की तौफीक नहीं है तो जाए आप, है ना। वमन काना दून दालिक, अब सवाल यह होता है जो इसके अंदर में रह रहा हो तो ज्यादा बात है, मीकात मक्के के बाहर है, सब काफी बाहर है। जो शख्स इनके अंदर रह रहा हो तो अल्लाह रसूल ने क्या कहा? फमिन हैसु अनशा, जहां से शुरुआत करेगा। एक आदमी हुदूद हरम से बाहर रहता है, हुदूद हरम के अंदर रहता है, उसको उमरा करना है, अपने घर में क्या करे वो? नाए धुले, आराम बंदे और नियत कर ले और तलबिया पुकारते हुए निकल जाए घर से अपने, उसको मीकात जाने की जरूरत। इसमें आप देख रहे हैं इस्लामी शरीयत ने किस हद तक छूट दी है, किस हद तक सहूलत दी है। अगर मक्के वालों को ऊपर वाजिब करता, तुमको बाहर निकलना जाना है मीकात, अक्रमुल मवाकित में, वहां से आराम बांध के फिरा होगे तुम, उमरा करते हो, कौन जाएगा? मक्का यहाँ है, उमरा यहाँ करना है, वो आराम बांधे वहां जाएंगे, है ना। ये सहूलत है इस्लाम की, क्या ये सहूलत है। वह हत्ता अहलु मक्का मिन मक्का, यहां तक कि मक्के वाले कहां से आराम बांधेंगे? मक्के से बांधेंगे, निकल जाएंगे, उनको बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। अहले मक्का में कौन शामिल है? जो मक्के में रहने वाले लोग हैं, रहने वाले भी, और जो जाके वहां मुकीम है फिलहाल वो भी। जैसे जैसे हाजी उमरा की नियत करके गया, मीकात से गया है, लेकिन मक्के में रुका हुआ है, अब हाज की नियत कहां से करेगा? अपने अपने होटल से करेगा, उसको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। वो अहले मक्का में शामिल है, क्योंकि वो उसका होटल है, उसकी जगह जहां पर क्या है, वो क्याम पजीर है। فَمَنْ تَعَدَّ هَذِهِ الْمَوَاقِيتِ بِدُونِ اِحْرَامِ, حج عمرے کی نیت تو کر کے گیا تھا لیکن بغیر احرام کے تجاوز کر گیا ان مواقیت سے, مواقیت زمانیہ ہے, مکانیہ ہے نا, اس کو میقات بولتے ہیں ہم لوگ, اس میقات سے کیا کیا وہ ان مواقیت سے تجاوز کر گیا, احرام میں نہیں بندھا وہ, وَجَبَ عَلَيْهِ الرُّجُوعُ إِلَيْهَا إِنْ أَمْكَنَ, अगर मुमकिन है तो उसका फिर मीकात पर जाना क्या होगा? वाजिब होगा। वह इल्लम यतमक्कन मिन रुजू, और अगर रुजू मुमकिन नहीं है तो वह अलैहि फिदिया, क्या करना पड़ेगा उसको? फिदिया देना पड़ेगा। फिदिया कैसा? यानी क्या इहराम बनेगा, इहराम बांध लेगा, वो इहराम जहां भी याद आएगा क्या करेगा, वो बांध लेगा, वहां से नियत कर लेगा, लेकिन क्या करेगा, वो फिदिया देगा। वही अशातुन यदबा हुआ फी मक्का, फिदिया क्या है? एक बकरी जो मक्के में क्या करेगा,
ज़बह करेगा, वयुवज़िहा अला मसाकिनिल हरम, और इस बकरी को हरम के मसाकिन पर, मक्के के मसाकिन पर क्या करेगा, तकसीम कर देगा। ये है फिदिया का मसरफ। और फिदिया देने से जो उससे एक फरीजा छूटा था, एहराम बांधना रुकन है, एहराम एहराम मिकात से बांधना क्या है, फरीजा है, वाजिबात में से है ना, इसे ध्यान रखिएगा। अम्मा मन कानत मनाजिलहुम दूनल मवाकीत, लेकिन जिनके घर मवाकीत के अंदर हो, मवाकीत के अंदर हो, दूनल मवाकीत के नीचे मतलब क्या, अंदर यानी बाहर बाहर उसके मवाकीत है ना, फइन्नहुम युहरिमूना मिन अमाकिनहिम, तो एहराम कहां से बांधेंगे वो, अपने घरों से। لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق ومن كان دون ذلك فمن حيث انشا, جو اس کے نیچے رہتا ہو, اس کے اندر رہتا ہو, تو وہیں سے جہاں سے کیا کرے گا, وہ شروع کرے گا, وہیں سے کیا کرے گا, وہ احرام بھی باندھے گا, وہیں سے تلبیہ بھی پکارے گا۔ یہ دو مسائل تھے, بلکہ تین مسائل تھے جو ہمارے سامنے جو ہے آج آئے ہیں۔ انشاءاللہ کل کے درس میں الباب الثانی مکمل میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ آج اسی پر اتفاق کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلیٰ آلہ وسلم۔